DCW पंप, ये थर्मल पावर प्लांट में यूज़ होता है। एक्चुअली DCW पंप हाई प्रेशर बॉयलर के लिए यूज़ किया जाता है, और जो लो प्रेशर बॉयलर होते हैं वहाँ पर DCW पंप का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। एक्चुअली ये जो सर्किट डायग्राम आप देख रहे हैं, यहाँ पर बॉयलर ड्रम है, बॉयलर ड्रम से नीचे की ओर जाते हुए डाउन कमर, देन DCW पंप, और DCW पंप का डिस्चार्ज कनेक्ट रहेगा डाउन कमर के साथ, जो कि वाटर वॉल में सर्कुलेशन को एस्टेब्लिश करता है। अब ये सर्कुलेशन है क्या? सर्कुलेशन एक्चुअली स्टीम और वाटर मिक्सचर जो वाटर वॉल में सर्कुलेट होता है उसको यहाँ पर सर्कुलेशन बोला गया है। अगर हम स्मॉल पावर प्लांट की बात करें, 100 मेगावाट, 210 मेगावाट, 270 मेगावाट, तो वहाँ पर DCW पंप का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। वहाँ पर जो वाटर वॉल के अंदर स्टीम और वाटर का मिक्सचर का सर्कुलेशन है वो नेचुरल सर्कुलेशन से स्टेबलाइज हो जाता है। एक्चुअली बॉयलर के अंदर जो कंबसन होता है उससे हीट गेन करता है वाटर और स्टीम में कन्वर्ट होता है। यहाँ पर लो प्रेशर में स्टीम और वाटर का डेंसिटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। मैं ये लो प्रेशर बॉयलर की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर प्रेशर 100 kg, 95 kg, 120, 130 इस रेंज में रहता है, वहाँ पर नेचुरल सर्कुलेशन स्टेबलाइज हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें 500 मेगावाट, 600 मेगावाट, तो 600 मेगावाट में DCW पंप प्रोवाइड किया गया है, और 660 मेगावाट में भी DCW पंप प्रोवाइड किया गया है, सो दैट इससे सर्कुलेशन को स्टेबलाइज किया जा सके, क्योंकि हाई प्रेशर पर स्टीम और वाटर मिक्सचर में डेंसिटी डिफरेंस बहुत कम हो जाता है। चलिए, ये तो बात हो गई DCW पंप कहाँ पर दिया जाता है, कहाँ पर नहीं दिया जाता है। अब डिटेल में बात करते हैं, ये हमारा बॉयलर सर्कुलेशन वाटर पंप का डिटेल डायग्राम है। यहाँ पर देखेंगे ये पंप सेक्शन है, पंप सेक्शन में सक्शन लाइन, डिस्चार्ज लाइन, ये सिंगल सक्शन डबल फ्लो टाइप का DCW पंप है। यहाँ पर पंप और मोटर के बीच में ये हीट बैरियर है, जो कि हाई टेम्परेचर फीड वाटर की हीट को मोटर तक ट्रांसफर नहीं होने देता है, जिससे मोटर का वाइंडिंग प्रोटेक्ट रहता है, मोटर के वाइंडिंग में कोई इशू नहीं आता है। इस हीट बैरियर को कूल कैसे किया जाएगा? हीट बैरियर को कूल करने के लिए लो प्रेशर कूलिंग वाटर, जो कि SGDMCW स्टीम जनरेटर डीमिनरलाइज कूलिंग वाटर पंप होता है, इससे वाटर का सप्लाई दिया जाता है, जो सप्लाई हीट बैरियर के लिए जाता है और मोटर कूलर के लिए जाता है। मोटर कूलर एक्चुअली मोटर के अंदर HP कूलर होता है, जहाँ पर हाई प्रेशर का फीड वाटर फीड रहता है, इसका सर्कुलेशन LP कूलर के थ्रू होता है। यहाँ पर एक इंपेलर माउंटेड होता है जो इसमें सर्कुलेशन करता है। इसके बाद ये कूलिंग वाटर SGDMCW का कूलिंग वाटर यूज़ करके हम उसको कूल करते हैं। ये अलग सर्किट यहाँ पर आप देख रहे हैं, MBFP लाइन से, बॉयलर फील्ड पंप लाइन से, CTP लाइन से भी यहाँ पर कनेक्शन दिया रहता है। 600 मेगावाट में CTP लाइन और CP लाइन से दिया हुआ है, BFP लाइन ऑल्सो अवेलेबल है। ये HP कूलर है, यहाँ देखेंगे HP पर्ज कूलर है। एक्चुअली ये पर्जिंग प्रोसेस है, पर्ज प्रोसेस मोटर कैविटी को पर्ज करने के लिए यूज़ करते हैं, जब कभी बॉयलर लॉन्ग शटडाउन के लिए जाता है, तो इसको एक अलग डिटेल वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा मोटर कैविटी पर्जिंग के लिए। चलिए बात कर लेते हैं कि DCW पंप का फंक्शन क्या क्या है। तो टू असिस्ट सर्कुलेशन एट हाई प्रेशर वेयर डेंसिटी डिफरेंस बिटवीन फीड वाटर एंड स्टीम इज वेरी लेस, सो नेचुरल सर्कुलेशन नॉट टेक्स प्लेस। फर्स्ट तो ये हो गया, ये सर्कुलेशन को असिस्ट करता है। सेकेंड, प्रॉपरली स्टेबलाइज सर्कुलेशन ऑफ स्टीम वाटर मिक्सचर इन एवेपोरेटर। एवेपोरेटर वाटर वॉल को ही एवेपोरेटर वर्ड यूज किया है यहाँ पर, तो वाटर वॉल में प्रॉपर सर्कुलेशन को स्टेबलाइज करने के लिए, टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ बॉयलर वाटर वॉल ओवर हीटिंग। अगर ये सर्कुलेशन प्रॉपर होगा तो वाटर वॉल का ओवर हीटिंग नहीं होगा।
क्योंकि हाई प्रेशर में जब डेंसिटी डिफरेंस बहुत कम हो जाता है और स्टीम बबल अगर वाटर बॉल के साथ में अटैच हो गया और वो ऊपर की तरफ बॉयलर ड्रम की तरफ मूव नहीं किया तो एक ब्लैंकेट क्रिएट कर देगा जिसको हम फिल्म बॉइलिंग बोलते हैं। फिल्म बॉइलिंग जो है वाटर बॉल के लिए बहुत डेंजरस है, ये कॉज ऑफ ओवर हीटिंग हो सकता है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि BCW पंप को स्टार्ट करने से पहले हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं, कौन कौन से परमिशन है जो अवेलेबल होना चाहिए सो दैट हम सेफली BCW पंप को स्टार्ट कर सकें, और इसके क्या क्या प्रोटेक्शन होते हैं इन सब की बात कर लेते हैं। तो BCW पंप को स्टार्ट करने से पहले, किसी भी पंप को स्टार्ट करने से पहले, फर्स्ट पॉइंट सक्शन वाल्व इसका ओपन होना चाहिए। देन इसमें दो डिस्चार्ज वाल्व दिए हुए हैं, डिस्चार्ज वाल्व ओपन होना चाहिए। फिर हम देखेंगे कि मोटर कैविटी के लिए जो टेम्परेचर है, मोटर कैविटी टेम्परेचर विद इन नॉर्मल लिमिट होना चाहिए, लेस देन 60 डिग्री सेंटीग्रेड, और हीट बैरियर और LP कूलर के जो कूलिंग वाटर के फ्लो है वो नॉर्मल होना चाहिए। ये तो हो गया मैकेनिकल साइड में हम क्या क्या देखेंगे। अब इलेक्ट्रिकल साइड में इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन ऑपरेट नहीं होना चाहिए, MTR नॉट ऑपरेटेड, EPB नॉट ऑपरेटेड, और ब्रेकर इन सर्विस, स्विच गियर अवेलेबल, स्विच गियर नॉट डिस्टर्ब। स्विच गियर अवेलेबल में देखेंगे कि स्प्रिंग चार्ज होना चाहिए, ब्रेकर इन सर्विस, स्प्रिंग चार्ज, और स्विच गियर नॉट डिस्टर्ब में देखेंगे कि इसका DC सप्लाई ऑन होना चाहिए। तो इन सब परमिशन को देखेंगे, और एक मेन परमिशन और है जो बॉयलर ड्रम वेंट है वो सभी क्लोज होना चाहिए सो दैट हम जब भी BCW पंप को स्टार्ट करें तो एयर लेने के चांसेस ना रहे। अदरवाइज ये डाउन कवर से कनेक्ट है, ड्रम के वेंट अगर ओपन होंगे तो पंप एयर ले सकता है, ड्रम वेंट बंद होना चाहिए। अब इसके प्रोटेक्शन क्या क्या होते हैं, प्रोटेक्शन की अगर बात करें तो मोटर कैविटी टेम्परेचर अगर मोर देन 65 डिग्री जाएगा तो पंप को ट्रिप कर देगा, और अगर हीट बैरियर का फ्लो रिकमेंडेड वैल्यू से कम होगा और LP कूलर में कूलिंग वाटर का फ्लो अगर कम होगा तो ये भी पंप को ट्रिप कर सकते हैं। चलिए अभी बात कर लेते हैं कि सर्कुलेशन रेशियो इस BCW पंप के लिए कितना होगा। ये BCW पंप का मेक है, टोरिसीमा का मेक है, जापानी कंपनी, कैपेसिटी इसका 3520 क्यूबिक मीटर पर आवर है, डिजाइन प्रेशर 215 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और टेम्परेचर 371 डिग्री सेंटीग्रेड। मोटर का रेटिंग है 400 किलोवाट, फुल लोड करंट 108 एम्पीयर। ये फुल लोड करंट मोटर लेगा जब ये फुल लोड में चलेगा। तो ये सभी इसके BCW के डिज़ाइन पैरामीटर हैं। अभी बात करते हैं सर्कुलेशन रेशियो कितना होगा इसके लिए। सर्कुलेशन रेशियो सपोज 3520 क्यूबिक मीटर पर आवर एक BCW पंप का फ्लो है। ये यहाँ पर 3 BCW पंप दिया है, 600 मेगावाट की यूनिट में, हम BHL की यूनिट में कहीं कभी देखेंगे तो 3 BCW पंप दिया हुआ है, 2 वर्किंग 1 स्टैंडबाय। तो 2 BCW पंप के लिए अगर फ्लो की बात करेंगे तो फ्लो आएगा 7040 क्यूबिक मीटर पर आवर। ये फ्लो जो है वो BCW पंप का फ्लो है। सबसे